हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो यहाँ पे आप लोगों ने देख लिया होगा कि मैंने बॉनबॉन बिस्किट लिया है और बर्फ़ी उसको कट करके मिक्सिंग जार में डाल रहा है, क्योंकि आज हम बना रहे हैं बिस्किट का केक प्रिपेयर कर रहे हैं। ये एक्चुअली 17 मई का वीडियो है और बस उसी के लिए, केक प्रिपरेशन के लिए हम लोग सब रेडी कर रहे हैं। बर्फ़ी जो है कट करके डाल रहा है, मैं वहाँ पे तब तक जो कढ़ाई में मुझे बनाना है मैं इसकी तैयारी कर लूँगी। तो कढ़ाई में मैं डाल दूँगी नीचे की तरफ पे नमक। तो नमक मैं ये ऑलवेज़ बेकिंग के लिए यूज़ करती हूँ, वो मैंने अलग ही रखा हुआ है। इसके बाद इस जार बिस्किट को मैं क्रश कर लूँगी। तो यहाँ पे मैंने बिस्किट को क्रश कर लिया है, अच्छे से वो पाउडर पेस्ट प्रिपेयर हो गया है, इसका क्रीम नहीं निकालना है। उसके बाद मैं पहले कढ़ाई को प्री हीटिंग पे डाल दूँगी ताकि 5-7 मिनट में ये बैटर भी बन करके रेडी हो जाएगा और तब तक जो कढ़ाई है वो भी प्री हीट हो जाएगी। अब मैं बैटर प्रिपेयर कर लूँगी। तो बैटर प्रिपेयर करने के लिए सिर्फ मुझे इसमें दूध ऐड करना है। यहाँ पे मैंने 1/2 कप जितना ही दूध लिया है, और बहुत गर्म ना ही बहुत ठंडा दूध लेना है, नॉर्मल रूम टेम्परेचर वाला दूध लेना है। और आगे के प्रोसेस करने से पहले मैं जो टीन में मुझे केक बनाना है उसको मैं ग्रीस कर लूँगी अच्छे से, और फिर मैं बैटर दिखाऊँगी आपको कैसा बनाना है। नॉर्मल जो केक का बैटर होता है वैसा ही बनाना है। ये देखिए, इसमें धीरे धीरे दूध ऐड करके मेरा बैटर जो है फाइनली रेडी हो चुका है। ये देखिए, ऐसा फ्लो होना चाहिए। अभी इसमें मुझे ऐड करना है 1 इनो। तो ये इनो डालने से पहले ही आपको ग्रीस करके फटाफट रेडी रखना है जो भी आपको टिन में प्रिपेयर करना है। यहाँ पे मैं 1 पैकेट इनो ले रही हूँ, और इसके ऊपर हमें डालना है 1 से 2 टेबल स्पून जितना दूध, ये देखिए उसके ऊपर ही डालिए बस। और फिर इसको अच्छे से एक ही तरफ आपको मिक्स करना है, किसी भी एक तरफ आपको मिक्स करना है, दोनों तरफ मिक्स मत कीजिएगा। तो ये बस रेडी हो गया, इसको मैं डाल दूँगी अभी ये टिन में। ये देखिए, ऐसा बैटर फ्लो होना चाहिए, ऐसा बैटर होना चाहिए आपका। तो अब मैं इसको बेकिंग के लिए डाल दूँगी फटाफट से, और यहाँ पे इसको सिर्फ 10 मिनट में ये बन करके रेडी हो जाएगा। और तब तक मैं आगे की प्रोसेस स्टार्ट कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ डेरी मिल्क सिल्क। एक्चुअली मैं प्रिपेयर कर रही हूँ चॉकलेट गनास, तो यहाँ पे उसी के लिए मैंने आधी डेरी मिल्क सिल्क का मैं यूज़ करूँगी। अगर आपके पास डार्क चॉकलेट है तो वो भी चलेगा। तो बस इसको मैं, आपको पता है कि कैसे इसको मेल्ट करना है, तो मैं इसको मेल्ट कर लूँगी। यहाँ पे चॉकलेट जो है वो अच्छे से मेल्ट हो गई है। अभी थोड़ा सा मैं 1 ही मिनट के लिए मैं इसको और थोड़ा सा हिलाऊंगी और अच्छे से वो बन करके रेडी हो जाएगा। केक बन गया है, ठंडा होने रखा है। एक बार ठंडा होगा फिर मैं इसको निकालूंगी। ये देखिए, केक ऑलमोस्ट ठंडा हो गया है, मतलब पूरा ठंडा हो जाने के बाद ही इसको अनमोल्ड करना है, नहीं तो वो टूट जाएगा। तो मेरा केक ठंडा हो गया था, अब मैं इसमें डाल रही हूँ वो जो चॉकलेट गनास मैंने प्रिपेयर किया है। मैं इसको अच्छे से इसके ऊपर डाल के स्प्रेड कर लूँगी चारों तरफ से। इससे जो केक का टेस्ट है वो और भी अच्छा निखर के आता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। अगर इसका यूज़ ना करें, ऐसे खाना है तो भी आप खा सकते हो, तो भी बहुत ही ज़्यादा यम्मी लगती है ये केक। तो यहाँ पे मैं ऊपर से लगा रही हूँ थोड़ी सी जैम्स डेकोरेशन के लिए, और बच्चों को भी बहुत ही ज़्यादा पसंद होती है जैम्स। तो बस फाइनली इसको मैं जैम से डेकोरेट कर दूँगी। इसके बाद इस केक को थोड़ी देर के लिए सेट होने रखना है, क्योंकि गनास अभी थोड़ा सा गर्म होता है, उसको नॉर्मल होना देना है, उसके बाद हम इसको कट करेंगे। ये देखिए, ऐसा केक बन करके रेडी है। तो चलिए, फाइनली केक बन गया है। अब जिनका बर्थडे है उनको फ़ोन कर लेते हैं। तो ये देखिए, फ़ोन किया है वीडियो कॉल। एक्चुअली उनके दादा का बर्थडे है, 17 को उनका बर्थडे था, और इतना कुछ करने के बावजूद भी केक प्रिपेयर की सब किया, पर बच्चे तो खुश नहीं थे, क्योंकि उनको जाना है ग्वालियर। कोई उनको ग्वालियर लेके जाए, बस वो उनको यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो ये केक तो कट कर रहे हैं वो लोग, पर उनको अभी भी जाना तो दादा के पास ही है। ये देखिए,
तो चलिए आप लोग भी, ये तो चलता रहेगा, बच्चे भी धीरे धीरे समझ जाएंगे, आप लोग भी आ जाइए केक खाने के लिए। आप लोग भी ये केक ज़रूर घर में ट्राई करके देखना, बहुत ही आसान है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी लगता है। होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक दे देना, चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग मी गाइस, बाय, टेक केयर।